बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 3 जनरल नॉलेज बुक का चैप्टर नंबर 13 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 13 चेंजिंग बदलती हुई वर्ल्ड दुनिया। चेंजिंग वर्ल्ड यानी बदलती हुई दुनिया। अगर हम आज से 100 साल पहले की दुनिया के बारे में सोचें तो वो आज की दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। जैसे कि पहले लोग पैदल सफ़र किया करते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने बैलगाड़ियों पर और घोड़ों पर सफ़र शुरू किया। लेकिन अब आप देखेंगे कि हम गाड़ियों में और जहाज़ों में सफ़र करते हैं, यानी हमारे जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं वो बदल गए हैं। इसी तरह आप अगर पिछले ज़माने को देखें तो पहले लोग ख़त लिखकर और फिर महीनों उसके जवाब का इंतज़ार किया करते थे, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो थे वो बहुत वीक थे, जिसकी वजह से उस ख़त को पहुंचने में और फिर उस ख़त का जवाब वापस आने में महीनों लग जाते थे। लेकिन आज के ज़माने में आप देखेंगे कि हम एक बटन से दुनिया में किसी भी जगह पे अपना पैगाम पहुंचा सकते हैं। हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, जिसकी वजह से हम बहुत आसानी से अपने मैसेजेस जो हैं तो वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। फिर इसके अलावा आप देखेंगे कि पिछले ज़माने में लोग कैंडल्स और लैंटर्न्स यानी लालटेन का इस्तेमाल किया करते थे और इसकी मदद से अपने घरों को रोशन किया करते थे, जबकि आज आप देखेंगे कि हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं और बहुत आसानी से अपने घरों को रोशन करते हैं। एक वक्त था जब लोग कच्ची चीज़ें खाया करते थे। क्यों? क्योंकि शुरू शुरू में आग की दरियाफ्त नहीं हुई थी, फिर उसके बाद लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता आग पर खाना पकाना शुरू किया, यानी इससे पहले वो कच्ची चीज़ें खाया करते थे। और आजकल आप देख सकते हैं कि हम स्टोव, चूल्हे पर और माइक्रोवेव ओवन में बहुत आसानी से अपने लिए खाने बनाते हैं। आज इस यूनिट में हम पढ़ेंगे कि ये दुनिया कैसे तब्दील हुई है और अभी भी ये दुनिया कैसे तब्दील हो रही है, यानी ये किन स्टेजेस से, किन मराहल से गुज़र कर हम अभी जिस स्टेज में हैं इस तक पहुँची है। अब इस चैप्टर को हम रीड करना स्टार्ट करते हैं। चेंजिंग वर्ल्ड, बदलती हुई दुनिया। इट इज़ क्लियर, ये वाज़ह है, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन, मालूमात ऑब्टेंड जो कि हासिल की गई हैं फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, मुख्तलिफ ज़राए से जो मालूमात हासिल की गई हैं उससे वाज़ह है कि द लाइफ स्टाइल, रहन सहन, ड्रेस, लिबास, फूड, खाना, सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, आमोदरफ्त के ज़राए एंड मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन और मेथड्स, तरीके ऑफ कम्युनिकेशन, रबते के ऑफ पीपल ऑफ ओल्ड एज, पुराने ज़माने के लोगों के, वर कम्प्लीटली डिफरेंट, मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ थे फ्रॉम द प्रेजेंट एज, मौजूदा दौर के लोगों से। यानी मुख्तलिफ ज़राए से हासिल होने वाली मालूमात से ये बात वाज़े है कि ज़माने कदीम के लोगों का रहन सहन, लिबास, खाना, आमोदरफ्त के ज़राए और रबते के ज़रिए आज यानी मौजूदा दौर के लोगों से मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ थे। They lived in caves, वो गारों में रहा करते थे। Plants, पौधे, fruits, फल and uncooked meat, और कच्चा गोश्त, were their food, ये उनका खाना था। पौधे, फल और कच्चा गोश्त उनका खाना था। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि तब आग की दरियाफ्त नहीं हुई थी, इसलिए लोग कच्चा खाना खाया करते थे। They made, वो बनाते थे, their tools, अपने आलात,
फ्रॉम स्टोन्स पत्थरों से एंड एनिमल्स बोन और जानवरों की हड्डियों से। इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि मुख्तलिफ ज़राए से हासिल होने वाली मालूमात से वाज़ेह है कि ज़माने कदीम के लोगों का रहन सहन, लिबास, खुराक, आमद रफ्त की ज़राए और रबते के तरीके आजकल के जो लोग हैं उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ थे। पुराने ज़माने के लोग ग़ारों में रहा करते थे, पौधे, फल और कच्चा गोश्त ये उनकी खुराक थी, जबकि आज आप देखेंगे कि हमारी खुराक इन चीज़ों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसके अलावा वो अपने आलात पत्थरों से और जानवरों की हड्डियों से बनाया करते थे। टूल्स यानी आलात, वो टूल्स जो कि डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वो लोग सेफ्टी के लिए अपने लिए टूल्स बनाया करते थे। इसके अलावा वो हंटिंग के लिए, जानवरों के शिकार के लिए अपने लिए कुछ टूल्स बनाया करते थे, तो वो स्टोन और एनिमल्स बोन यानी जानवरों की हड्डियों से उसको बनाया करते थे। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये एंशिएंट टाइम दिखाया गया है, एंशिएंट एरा दिखाया गया है, ज़माने कदीम को दिखाया गया है। आप इस पिक्चर में देखें कि इनका जो लिबास है ये इन्होंने अपने लिए जानवरों के चमड़े से बनाया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं इनका रहन सहन कि ये आज के घरों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। हमने ऊपर पैराग्राफ में पढ़ा है कि ये ग़ारों में रहा करते थे, यानी ये ना ही ख़ुद को सर्दियों से बचा सकते थे, ना ही गर्मियों से, और ना ही ग़ारों में रहते हुए जंगली जानवरों से। थिंक, सोचिए एंड शेयर, बांटिए। वाई पीपल ऑफ स्टोन एज एट अनकुक्ड मीट। पत्थरों के ज़माने के लोग कच्चा गोश्त क्यों खाया करते थे? मैंने आपको इस पैराग्राफ में भी बताया है कि उनका जो खुराक था वो प्लांट्स, फ्रूट्स और अनकुक्ड मीट यानी कच्चा गोश्त था, तो वो ये कच्चा गोश्त क्यों खाते थे, वो इसको पका के क्यों नहीं खाते थे? बिकॉज दे डिडंट नो अबाउट फायर, क्योंकि वो आग के बारे में नहीं जानते थे। आग की जो दरियाफ्त है वो स्टोन एज से थोड़े अरसे बाद, इसी स्टोन एज में हो गई थी, लेकिन कुछ टाइम बाद हुई थी। स्टोन एज का जो दौरानिया है वो काफ़ी लंबा है, तो उसके मिड में फिर इन्होंने आग दरियाफ्त कर ली थी। इससे पहले वो कच्चा गोश्त खाया करते थे क्योंकि उनको आग के बारे में पता ही नहीं था। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। With the passage of time, passage गुजरना, of time वक्त, वक्त के गुजरने के साथ man इंसान ने learned सीखा making of fire आग जलाना। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ इंसान ने आग जलाना सीखा and cooking food और उस पर खाना बनाना सीखा। To meet their needs अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए और food खाने की मैन स्टार्टेड कल्टिवेटिंग क्रॉप्स, उन्होंने काश्तकारी शुरू की। एंड पेटिंग एनिमल्स और जानवरों को पालना। वक्त गुजरने के साथ इंसान ने आग जलाना और उस पर खाना बनाना सीखा और फिर अपनी खुराक की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए उन्होंने काश्तकारी शुरू की और जानवरों को पालना सीखा। हमने ऊपर पैराग्राफ में पढ़ा कि स्टार्ट में इंसान की खुराक प्लांट्स, फ्रूट्स और अनकुक्ड मीट थी, यानी वो कच्चा गोश्त, पौधे और फल खाया करते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही इंसान ने थोड़ी थोड़ी तरक्की शुरू की तो इंसान को इस बात का अंदाज़ा हुआ कि हमें अपने लिए कुछ ना कुछ सेव रखना चाहिए, यानी आज के साथ साथ हमें कल के लिए भी कुछ बचाना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने कल्टीवेशन स्टार्ट की, काश्तकारी स्टार्ट की और अपने लिए बड़े पैमाने पर अनाज का बंदोबस्त करना शुरू किया। सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा पेटिंग एनिमल्स, जानवरों को पालना। हमने ऊपर पैराग्राफ में पढ़ा कि वो जानवरों का शिकार किया करते थे और फिर उनको कच्चा खाया करते थे। आहिस्ता आहिस्ता इंसानों ने क्या किया कि उन्होंने इन जानवरों को पालना शुरू किया और इनके अफजाइश नस्ल का ख्याल रखना शुरू किया।
यानी उन्होंने जानवरों को शिकार करके कच्चा खाने के अलावा उनसे अपने लिए और रोजगार के जराए ढूंढे। इन्वेंशन ऑफ व्हील। पहिए की इजाद एंड डिस्कवरी और दरियाफ्त ऑफ मेटल्स धातु की। पेव्ड हमवार किया द वे रास्ता फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंसानी तरक्की का। पहिए की इजाद और धातु की दरियाफ्त की वजह से इंसानी तरक्की की राह हमवार हुई। यहाँ पर हमने दो चीज़ों के बारे में पढ़ा, इन्वेंशन ऑफ व्हील, पहिए की इजाद, पहिया जो व्हील है उसकी इजाद से इंसान की ज़िंदगी में बहुत तरक्की आई। आप देखेंगे अभी कि पहिया जो है ये एक मेन एलिमेंट है, आप देखेंगे ये हर जगह पे यूज़ होगा, ये गाड़ियों में यूज़ होता है, ये मोटर बाइक्स में यूज़ होता है, ये हमारे स्टोव्स में यूज़ होता है, यानी ये मशीनरी का, मशीनों में इस्तेमाल होने वाला एक बहुत कॉमन टूल है। इसके अलावा सेकंड चीज़ हमने पढ़ी डिस्कवरी ऑफ मेटल्स, धातु की दरियाफ्त। दरियाफ्त क्या है कि एक चीज़ पहले से मौजूद थी लेकिन इंसान को उसका इल्म नहीं था। धातें तो, मेटल्स तो पहले से मौजूद थी लेकिन जब इंसान ने उनके इस्तेमाल का तरीका सीखा तो इससे इंसान की ज़िंदगी में बहुत तरक्की आई। यानी लोहा, तांबा वगैरह जब इन्होंने इसको यूज़ करना स्टार्ट किया तो आज आप देख सकते हैं कि हम जिन घरों में रहते हैं, हम जिन व्हीकल्स को यूज़ करते हैं, हम जो मोबाइल फ़ोन्स, जो टीवी वगैरह हम यूज़ करते हैं, इन सब चीज़ों में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं इन मेटल्स का यूज़ किया गया है। तो पहिए की ईजाद और धातु की दरियाफ्त की वजह से इंसानी तरक्की की राह हमवार हुई। ड्यू टू कॉन्टीन्यूस स्ट्रगल ऑफ ह्यूमन बींग्स, ड्यू टू बदौलत या की वजह से ऑफ कॉन्टीन्यूस स्ट्रगल, मुसलसल कोशिश ऑफ ह्यूमन बींग्स, इंसानों की मुसलसल कोशिश की बदौलत द प्रेजेंट लाइफ, मौजूदा ज़िंदगी इज़ वेरी कम्फर्टेबल, बहुत आरामदेह है एंड सेफ और महफूज है देन द पास्ट, माजी के ज़माने से। यानी इंसान की मुसलसल कोशिशों की बदौलत आज की ज़िंदगी माजी की ज़िंदगी के मुकाबले में बहुत आसान और बहुत महफूज हो गई है। कम्फर्टेबल कैसे हो गई है कि अब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि हमारे लिए काम करते हैं। सेफ़ कैसे है, सेफ़ ऐसे है कि हमने अपने लिए घर बना लिए हैं जो कि हमें गर्मी सर्दी से बचाते हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे कि ये जो एक नेगेटिव पॉइंट है आजकल के दौर का कि बहुत सारे हमने ऐसे अपने लिए वेपन्स बना लिए हैं जो कि हम अपनी सेफ्टी के लिए यूज़ करते हैं, जैसे एटम बम वगैरह है। तो आज की जो ज़िंदगी है वो कंफर्टेबल भी है, सेफ भी है माजी के कंपैरिजन में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 96। यहाँ पर आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये इसमें मॉडर्न टाइम दिखाया गया है, यानी जदीद दौर दिखाया गया है, आजकल का ज़माना दिखाया गया है। आप देख सकते हैं कारपेटेड रोड्स हैं, देखें आप, व्हीकल्स हैं, इसके अलावा सीमेंटेड हाउसेस हैं, यानी पक्के घर बने हुए हैं, बिल्डिंग्स हैं जो कि डबल ट्रिपल स्टोरी हैं। तो यहाँ हमने इस पिक्चर में देखा कि ये मॉडर्न टाइम को दिखाया गया है जो कि इस एंशिएंट एरा से बिल्कुल मुख्तलिफ है। लेट्स कंपेयर, मवाजना करें द एंशिएंट वर्ल्ड, ज़माना कदीम, विद द प्रेजेंट, मौजूदा दौर से, विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स, इन तस्वीर की मदद से। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं हमारे पास काफ़ी सारी पिक्चर्स दी हुई हैं, हमने इन पिक्चर्स में कंपैरिजन करना है ऑफ एंशिएंट वर्ल्ड एंड प्रेजेंट टाइम,
यानी ज़माने क़दीम और मौजूदा दौर का मवाज़ना करना है हमने इन पिक्चर्स की मदद से। यहाँ पे पास्ट यानी माजी या ज़माने क़दीम, और ये है जदीद दौर या मौजूदा दौर। यहाँ पर अब आप इन दो पिक्चर्स को देखें, इसके ऊपर लिखा हुआ है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यानी तालीमी इदारे। अब आपको इन दोनों पिक्चर्स में क्या डिफरेंस शो हो रहा है, हमने इन दोनों पिक्चर्स को कंपेयर करना है। हम देखेंगे कि इस क्लासरूम से इस क्लासरूम की जो फैसिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा हैं। बच्चों के लिए क्लासरूम में क्या फैसिलिटीज़ हो सकती हैं, आप देख सकते हैं कबर्ड्स बनी हुई हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि ये क्लासरूम इस क्लासरूम के मुकाबले में ज़्यादा कलरफुल है, चार्ट्स हैं इसमें, डिफरेंट कलर्स दिखाए गए हैं। इसके अलावा आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो विजुअल एड्स यूज़ की गई हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं इस क्लासरूम में। तो यहाँ हमने कंपेयर किया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को पास्ट और प्रेजेंट, यानी ज़माने क़दीम का जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे और जो मौजूदा दौर के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पिक्चर्स की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइफस्टाइल यानी रहन सहन, इन दोनों को अब हम कंपेयर करेंगे। आप देखेंगे कि ये जो मौजूदा दौर जो प्रेजेंट का लाइफस्टाइल है उसमें सीमेंटेड हाउसेस हैं, आप देख सकते हैं ये डबल ट्रिपल स्टोरी हैं। इसके अलावा ये सेफ हैं, ये हमें सीवियर वेदर कंडीशंस यानी सख्त मौसमी हालात से बचाते हैं। आप देखेंगे अगर इस पे आंधी तूफान आ गई तो ये घर तो टूट जाएगा, जबकि ये घर इस तरीके से बनाए गए हैं कि ये हमें महफूज रखते हैं। तो यहाँ हमने लाइफस्टाइल को देखा कि ज़माने क़दीम में कैसा था और आजकल के दौर में लोगों का क्या लाइफस्टाइल है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, नेक्स्ट पिक्चर्स की तरफ। पास्ट प्रेजेंट ज़माने क़दीम यानी माजी, प्रेजेंट मौजूदा दौर। सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आमोद्रफ्त के ज़राए। अब हम इनको कंपेयर करते हैं, आप देख सकते हैं ये बुल कार्ट्स हैं यानी बैलगाड़ियाँ, जबकि यहाँ पर आप देखें ये कार्स हैं व्हीकल्स। इनका अगर हम टाइम नोट करें कि ये कितने टाइम में अपना सफ़र कंप्लीट करेगी और यहाँ पर कितने टाइम में सफ़र कंप्लीट किया जाएगा, तो इसके मुकाबले में ये महीनों का सफ़र घंटों में तय करता है। तो टाइम में भी डिफरेंस है और कंफर्ट में भी डिफरेंस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लोड्स की बात की गई है यानी वज़न की। पहले ज़माने में लोग वज़न इन रेडियो में यानी कार्ट्स में एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाया करते थे, अब काम मज़ीद आसान हो गया है। ट्रक्स हैं जो कि आसानी से और बहुत कम वक्त में सामान एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर देते हैं। वक्त के अलावा आप देखेंगे कि स्पेस में भी बहुत डिफरेंस है, यहाँ पर स्पेस बहुत कम है जबकि ट्रक्स में बहुत स्पेस होती है, बहुत सारी चीज़ें एट ए टाइम एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल हो जाती हैं। इस सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यानी जो लोड्स एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं, इसमें बेहतरी की वजह से इंसानी तिजारत में भी बहुत बेहतरी आई है और इंसानी तरक्की में इसने बहुत अहम किरदार अदा किया है। अब हम नेक्स्ट पिक्चर्स की तरफ चलते हैं, ये है एरोप्लेन्स यानी हवाई जहाज़। पहले के हवाई जहाज़ कुछ ऐसे दिखते थे, जबकि अब आप देख सकते हैं आजकल के हवाई जहाज़ ऐसे दिखते हैं।
ये ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, ज़्यादा सेफ हैं। नेक्स्ट पिक्चर आप देख सकते हैं, ये अब दिखाया गया है वाटर ट्रांसपोर्ट को, यानी बहरी सफ़र को दिखाया गया है। ये शिप है और पिछले ज़माने की शिप्स ऐसे हुआ करती थी। आप देख सकते हैं ये फर्निश्ड हैं, ये कंफर्टेबल हैं और ये सेफ हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने इन ये जो दो हैं हमारे पास, ये लैंड ट्रांसपोर्टेशन में आते हैं, ये एयर ट्रांसपोर्टेशन में आते हैं, यानी ये ज़मीनी सफ़र दिखाया गया है, ये हवाई सफ़र दिखाया गया है और ये बहरी सफ़र दिखाया गया है। यानी सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हमारे पास कितने हैं? 3, लैंड ट्रांसपोर्टेशन, एयर ट्रांसपोर्टेशन एंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन। ये हमारे पास 3 आमदरफ्त के ज़राए भी हैं। यहाँ पर हमने ये बात भी सीख ली। तो यहाँ पर हमारा ये पिक्चर्स वाला टॉपिक एंड होता है, जिसमें हमने एंशियंट वर्ड को कंपेयर किया मॉडर्न टाइम से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 98 की तरफ। यहाँ पर एक्टिविटी दी हुई है, इस एक्टिविटी को रीड करते हैं। कलेक्ट द पिक्चर्स ऑफ सोर्सेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, आमो द्रफ्त के जराए। कलेक्ट द पिक्चर्स, इनकी तस्वीर इकट्ठी करें एंड पेस्ट इट इन योर नोटबुक, और अपनी नोटबुक में इसको पेस्ट करें। आप इंटरनेट से बहुत सारे सोर्सेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के पिक्चर्स ले सकते हैं, उसको प्रिंट आउट करें और उसको अपने नोटबुक में पेस्ट करें। थिंक, सोचिए, इफ आयरन वॉज नॉट डिस्कवर्ड, अगर लोहा दरियाफ्त ना होता, हाउ द लाइफ वुड हैव बीन, तो जिंदगी अब तक कैसे होती। यानी अगर लोहे की दरियाफ्त ना होती तो ज़िंदगी फिर कैसे होती। इफ आयरन वॉज नॉट डिस्कवर्ड वी माइट नॉट हैव स्ट्रॉन्ग टूल्स एंड things like cars and buildings. Life would have been different then. If iron was not discovered, अगर लोहे की दरियाफ्त ना होती, We might not have strong tools, तो हमारे पास ये मजबूत आलात ना होते, and things और चीज़ें like cars, जैसे कि गाड़ियाँ, and buildings और buildings। आप देख सकते हैं कि जो vehicles हैं, घर हैं हमारे, बल्कि हर चीज़ में आप देखें, हम घर में जिस चीज़ को यूज़ करते हैं, जिस भी चीज़ को, उसमें आयरन यूज़ होता है। तो अगर आयरन की डिस्कवरी ना होती तो हमारे पास ये टूल्स ना होते, फिर लाइफ वुड हैव बीन डिफरेंट देन, और हमारी ज़िंदगी फिर बिल्कुल मुख्तलिफ होती। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। क्रोनोलॉजी, तारीखवार, ऑफ पीरियड्स, अदवार, फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट, माजी से मौजूदा, यानी कदीम दौर से जदीद दौर की तारीखवार तरतीब। इसमें आप देख सकते हैं नीचे पिक्चर्स दी हुई हैं। हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कदीम दौर से, यानी पुराने ज़माने से जदीद दौर, आज के ज़माने की तारीखवार तरतीब। फर्स्ट पिक्चर यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये स्टोन एज है, पत्थर का ज़माना। इसमें आप पिक्चर में देख सकते हैं कि व्हील की इन्वेंशन हो चुकी है। आपको यहाँ पर पहिया यानी व्हील नज़र आ रहा होगा। इस दौर में यानी स्टोन एज में लोग केव्स में रहते थे। लोगों का जो लिबास था, क्लोथ्स, वो एनिमल स्किन यानी जानवरों के चमड़े से बनता था। लोगों का जो फूड था, खुराक, वो था प्लांट्स
एंड अनकुक्ड मीट, पौधे और कच्चा गोश्त। इस दौर के टूल्स जो थे वो पत्थरों से या जानवरों की हड्डियों से बनाए जाते थे, जो कि वो अपनी सेफ्टी के लिए यानी अपनी हिफाजत और जानवरों के शिकार के लिए इस्तेमाल किया करते थे। ये था स्टोन एज। अब आप सेकंड पिक्चर की तरफ देखें, ये है न्यूलिथिक एरा। न्यूलिथिक एरा स्टोन एज की एडवांस शक्ल है। न्यूलिथिक एरा में इंसान ने थोड़ी थोड़ी तरक्की की, उसने तरक्की की अपने रहन सहन के तरीकों में, अपने क्लोथ्स में, फूड में। ज़्यादा तरक्की फूड में आई कि उन्होंने कल्टीवेशन यानी काश्तकारी शुरू की। लॉन्ग टर्म अपने लिए खाने का बंदोबस्त करने के लिए उन्होंने फसलें उगाई और उन्होंने जानवरों को पालना शुरू किया, यानी डोमेस्टिकेशन उन्होंने शुरू की। और इसके साथ ही उन्होंने एक ख़ास जगह में रिहाइश इख्तियार करना शुरू की। स्टोन एज में जब खाने के लिए उनको एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता था, तो न्यूलिथिक एरा में काश्तकारी और जानवरों के अपने पास पालने की वजह से उन्होंने एक ख़ास जगह पर रहना शुरू किया। न्यूलिथिक एरा के बाद स्टार्ट हुआ आयरन एज, जिसमें लोहे की दरियाफ्त हुई और लोगों ने लोहे का इस्तेमाल शुरू किया अपनी रोज़मर्रा चीज़ों में। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ये इनके पास लोहा है, आप पीछे देख सकते हैं कि पीछे भी लोहे का इस्तेमाल किया गया है। और फोर्थ पिक्चर, लास्ट पिक्चर आप देख सकते हैं, ये मॉडर्न एज है यानी जदीद दौर, आजकल का ज़माना दिखाया गया है, जिसमें व्हीकल्स हैं, फ्लाईओवर्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, ज़्यादा सेफ्टी है और ज़्यादा कंफर्ट है। तो ये था क्रोनोलॉजी ऑफ पीरियड्स फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट, कदीम दौर से जदीद दौर की तारीख वार तरतीब। फर्स्ट स्टोन एज, सेकेंड न्यूलिथिक एरा, थर्ड आयरन एज, फोर्थ मॉडर्न एज। एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। विजिट अ नियर बाय म्यूजियम, विजिट सैर करें। अ नियर बाय एक करीबी, म्यूजियम अजायब घर, और हिस्टोरिकल प्लेस या कोई तारीखी मुकाम। एंड ऑब्जर्व द चेंजेस, और तब्दीलियों का मुशाहिदा करें विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के गुजरने के साथ। राइट द रिजल्ट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द फॉर्म ऑफ एन एसे, और फिर उस ऑब्जर्वेशन, उस मुशाहिदे से ऐसे लिखें। ये एक्टिविटी है जिसमें आपने किसी म्यूजियम या हिस्टोरिकल प्लेस का विजिट करना है और आपने देखना है कि वक्त के गुजरने के साथ साथ चीज़ें कैसे तब्दील हुई हैं। म्यूजियम अजायब घर, हिस्टोरिकल प्लेस, तारीखी मुकाम वो जगह हैं जिसमें पुराने अदवार की चीज़ें दिखाई जाती हैं, जिसमें पुराने दौर को दिखाया जाता है। तो आपने जाना है, आपने उन हिस्टोरिकल प्लेसेस में और उन म्यूजियम में आपने उन पुरानी चीज़ों को देखकर आज के मॉडर्न एज से उन चीज़ों का कंपैरिजन करना है। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 99, की पॉइंट्स। की पॉइंट्स में हम पूरे चैप्टर की समरी को रीड करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, प्रेजेंट एज इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द पास्ट, मौजूदा दौर यानी आज की दुनिया माजी की दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ है, डिफरेंट मुख्तलिफ। सेकेंड, इन्वेंशन ऑफ व्हील, पहिए की इजाद, एंड डिस्कवरी ऑफ मेटल्स, और धातु की दरियाफ्त, प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन डिवेलपमेंट, इसने इंसान की तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा किया है। पहिए की इजाद और धातु की दरियाफ्त ने इंसानी तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा किया है। नेक्स्ट, मॉडर्न डिवेलपमेंट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ कॉन्टीन्यूस स्ट्रगल ऑफ ह्यूमन बींग्स, मॉडर्न डिवेलपमेंट, जदीद दौर की जो तरक्की है, इज़ द रिज़ल्ट, ये नतीजा है ऑफ कॉन्टीन्यूस स्ट्रगल ऑफ ह्यूमन बींग्स, इंसानों की मुसलसल मेहनत का, यानी जदीद दौर की तरक्की मुसलसल इंसानी मेहनत का नतीजा है। लास्ट,
प्रेजेंट ह्यूमन लाइफ इज़ वेरी ईजी, मौजूदा जो दौर की ज़िंदगी है वो बहुत आसान है, कम्फर्टेबल आरामदेह है एंड सेफ और महफूज है देन द पास्ट माजी से। जदीद दौर में इंसान की ज़िंदगी माजी की नस्बत बहुत आसान आरामदेह और महफूज है। यहाँ पर हमारे की पॉइंट्स एंड होते हैं, आगे एक्सरसाइज को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस चैप्टर में हमने पढ़ा अबाउट चेंजिंग वर्ल्ड कि ये दुनिया कैसे तब्दील हुई और कैसे तब्दील हो रही है। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।